पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक ने दावा किया कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि अगर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रात 9 बजे तक नहीं छोड़ा गया तो भारत हमला कर देगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद सादिक ने बुधवार को ये बात संसद में कही। वहीं वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर पाकिस्तानी सांसद के दावे के बाद भारत में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा है, आप सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान में सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पाक के चीफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना कर दे। बता दें कि फरवरी 2019 में बालाकोट में भारत के हवाई हमले के अगले दिन पाकिस्तान ने भारत में हवाई हमले की कोशिश की थी। उसके लड़ाकू विमान भारत की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान और दूसरे जाबाज पायलटों ने उन्हें खदेड़ दिया था। अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इसी दौरान अभिनंदन का विमान सीमा पार कर गया था और पाकिस्तान के निशाने पर आ गया था। अभिनंदन पैराशूट से कूद गए लेकिन वो पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए थे जहां उन्हें बंदी बना लिया गया। हालांकि पाकिस्तान पर काफी दबाव बनाया गया जिसके बाद अभिनंदन को अटारी वाघा बॉर्डर से भारत वापस लौटाया गया था।